की हो रही है, ऐसा कर रहा है। ठीक है, आपने सुबह से ढंग से बात बोल भी नहीं रहे हो आप। अरे भाई वो प्रैंक था, वो समझा कर, ऐसा नहीं होता। किस चीज का प्रैंक? अरे भाई हो गया ना, अरे भाई किस चीज का चैलेंज था वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निक महरा ब्लॉग। और मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ सुबह सुबह, और अब मैं जाऊंगी अंदर। मैंने स्कूटी अपनी पार्किंग में लगा दी है, बस चाबी निकालनी है। और आज मैं करने वाली हूँ पूरा दिन अपनी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को, ज्योति को इग्नोर। और ये मेरे से बात करेगी, मैं से बात ही नहीं करूँगी। इसको इसको पता ही नहीं चलने देना कि मैं पूरे दिन इससे बात नहीं करने वाली हूँ। ये मेरा चैलेंज है, देखते मैं बिना बात करे रह पाती हूँ या नहीं रह पाती, या मैं मेरे से बुलवा लेगी। अभी फ़िलहाल ये सामने आ रही है, मेरे पास ही आ रही है, देखो ये आ रही है, लेकिन मैं इससे बात नहीं करने वाली। आप लोग बता मत देना कि मैं इससे बात, मैंने चैलेंज किया है। पहुंच गए? हाय गाइस, कैसे हो? बात ही नहीं करनी है। मैं एक बार दोबारा अपनी स्कूटी की, मेरे को आदत है दो बार लोग चेक करने की, क्योंकि कई बार मैं ना खुला छोड़ देती हूँ। डिग्गी देखो खुली थी यार, इसलिए मेरे को अच्छी आदत है मेरी, मैं दो बार चेक करती हूँ उसको। मैं खड़ी हुई है यार, मैं तो फिर बात करेगी। क्या हुआ? अरे बोलो यार, बात ही नहीं कर दी गा। यार एक ही ऑफिस में किसी को भी इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी देखते हैं मेरा पूरा दिन कैसे जाने वाला है। अच्छा गाइज, आज मैंने ज्योति को फ़ोन नहीं करा, और देखो मेरा फ़ोन ये रहा। अब मुझे लग ही रहा है कि 2 बजे वो मुझे एग्जैक्ट फ़ोन करती है, और मैं वेट ही कर रही हूँ उसके कॉल का। बट मैं उसका फ़ोन उठाऊँगी नहीं, और हम सीधा आज लंच पे उसको बुलाने वाले भी नहीं है। इग्नोर करना है, फुल इग्नोर करना है। और मैं सीधा नीचे जाके बैठ जाऊँगी सीट पे, देखते हैं उसको आएगी कि नहीं आएगी मेरे कॉल ना उठाने के बाद भी। गाइज थोड़ी देर हो गई है, अभी तक उसका कॉल आया नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। किरण क्या करें, भूख भी लग रही है। कॉल करने गाइस, देखो एक मिस कॉल, अब ये दोबारा करेगी मुझे पक्का पता है। मैं फोन नहीं उठाऊंगी इसका, भूख लग रही है, पता नहीं कब आएगी। हम बैठ के तो साथ में ही लंच करेंगे। जो कॉल आ गई उसकी, देखो फिर कॉल आ गई। और अब मैं सोच रही हूँ नीचे ही चले जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। वो हमें यहाँ नहीं देखेगी तो जरूर कैंटीन में आ जाएगी, और हम खाना खा लेंगे साथ में। आ किरण, अब हम नीचे जा रहे हैं कैंटीन में। ये हमारी कैंटीन है, और हम कैंटीन में जा रहे हैं। फाइनली हम कैंटीन में आ चुके हैं, और मैं और किरण अभी बैठ चुके हैं। और अभी तक वो आई नहीं है, क्योंकि उसको हमने बुलाया नहीं है आज, हमने लंच पे नहीं बुलाया यार। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी क्या करें, अब प्रैंक का चैलेंज तो करना ही पड़ेगा। मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, अब तक तो मैं उसको बुला के ले आते, सीट से खींच के ले आते। अभी फिर कॉल आएगा यार उसका। ये देखो, ये देखो यार ऊपर कितनी लंबी है इसकी, तो फिर कॉल आ गया। अब की बार मैं काट देती हूँ उसका फोन है। इसको पता है 2 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं, तो उसको ऑब्वियसली अपने आप आ ही जाना चाहिए। काफी देर हो गई है हमें यहाँ पे वेट करते करते। मेरे को और किरण को बहुत तेज भूख लग रही है। किरण भी अपना लंच खोलने के लिए बिल्कुल रेडी है। किरण खोल ले यार, भूख लग रही है। अगर अगर ज्यादा देर हो जाती है तो फिर किरण ही फोन करके उसको बुलाएगी। गाइस देखो, अभी किरण और मेरा लंच खोलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा लंच, और अब हम वेट ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो आ गई है। आ रही आ रही आ रही, ऐसी तो आ रही आ रही आ रही आ रही। नहीं करना,
किरण इधर आ जाओ, मैं इधर बैठूंगी। अबे यार क्या हुआ, क्या बोल तो रही है, इतना इतना सांसा लेते हैं। किरण अभी मैं खाना खा रही हूँ। गाइस, इग्नोर करने का मैंने अपना जो चैलेंज ले रखा है तो मैं उसको पूरा करूँगी। और अभी टी ब्रेक में मैं बाहर आई हूँ तो मैं उसको नहीं बुलाने वाली, ताकि अगर मेरे साथ रहेगी तो मुझे बात करनी पड़ेगी। बस यही है कि उसे पता है कि इस टाइम पे मैं बाहर होती हूँ तो कहीं वो आ ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ऐसे अकेले राउंड मारने के लिए जा रही हूँ। मैं जाने वाली हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ ऐसी। गाइस, राउंड लगा लिया मैंने एक पूरा और अकेले हूँ मैं, मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, बट वही है, चैलेंज पूरा करना है तो आज मुझे पूरा दिन ज्योति से बात नहीं करनी। अरे यार ये देख, मुझे लग रहा ज्योति है भाई। वो देखो ये क्या हो रहा है, ज्योति है पर मुझे इससे बात नहीं करनी, ये आ रही है सामने से। यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो इतनी दूर हूँ। मैं चलते जाता हूँ, फिर पीछे पीछे आएगी। इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? आ गई। ये भूत चालू नहीं है, दिमाग खराब हो गया है, पूरे दिन से बोल नहीं रहा, पागल अंदर हो क्या है? अरे बोलो, मेरा मतलब मैं यार ये मेरा दिमाग खराब करेगी, मुझे पूरा दिन इससे बात यार। देखना पीछे पीछे सुबह से, हाँ बिना मतलब मुँह खुला के बैठे हो, इंदे बने हुए बोल ही नहीं रहे सुबह से, बोल लो मुझसे बोल लो। गाइस मैं ना जल्दी जल्दी तेज तेज चल रही हूँ और अब मैं भागने वाली हूँ, देखते हैं ये भाग भाग के आएगी मेरे पीछे की नहीं। यार ये भी भाग रही है यार, पूरे दिन बात नहीं करनी है मुझे। हुआ क्या बोलोगे? वाओ गिलहरी। गाइस फाइनली ऑफ हो चुका है और मैं अपनी स्कूटी के पास आ चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। और देखो ज्योति और मैं साथ में ही जाते हैं तो इस टाइम पे मुझे उसको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होगा, देखते हैं क्या होता है यार, क्योंकि साथ में जाते हैं, मैं बात नहीं करूँगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होएगी होएगी, और क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता, देखते हैं। फाइनल गाइस मैं वेट कर रही थी तो अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं जब तक रेडी हो जाऊँ हेलमेट वगैरह पहन के, मुझे पता नहीं कि वो मेरी स्कूटी में बैठेगी कि नहीं बैठेगी, क्योंकि सुबह से मैंने उससे बात तो करी नहीं है, गुस्से में तो वो भी होगी, देखते हैं क्या होता है। गाइस ये आ चुकी है और ये मेरे ये किरण यार, तो मतलब ये थोड़ी ना होता कि अगर बात नहीं करेंगे साथ नहीं जा सकते। मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर ली है गाइस,
वाली जहाँ पे सीट है कृपया करके वो वहाँ जाके बैठे। अब मैं जा रही हूँ, मत बोलो, पूरे दिन से इग्नोर करो ना मेरा मतलब। मैं ठीक है, अब मैं इग्नोर करूंगी, मत बोलो। गाइस ये तो गलत हो गया, मैं प्रैंक कर रही थी, गुस्सा तो यही हो गई। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ये मेरे साथ जाती है रोज, आज ये किरण के साथ जा रही है, ये गलत बात है, ये दोस्त को छोड़ रही है ये आज अपने, ये बहुत नाइंसाफी है इसके साथ। अब मुझे इनके पीछा करना पड़ेगा। चलो गाइस इनका पीछा करते हैं। ये तो निकल चुके हैं, मुझे इनका पीछा करना है, ये बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ। मुझे लग रहा है गाइस मुझे ही अब अपना इग्नोरिंग का जो मेरा था चैलेंज वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है मेरी दोस्त और ये मेरे साथ नहीं जा रही है, किरण के साथ जा रही है, तो मुझे उसको बात करनी पड़ेगी। मैं उसको वाला कर रही ज्योति इधरा। किरण के साथ कहाँ तक जाएगी? मैं नहीं जा रही आपके साथ पूरे दिन से, बिना मतलब मैं बोल नहीं रहा यहाँ पर। अरे यार मैं तेरे को कैसे बताऊँ, कुछ रीजन था। मैं नहीं बैठ रही, सुबह से ऐसे कर रखा है, ठीक है आपने सुबह से ढंग से बात बोल भी नहीं रहे हो आप। अरे भाई वो प्रैंक था, समझा कर, ऐसा नहीं होता। किस चीज का प्रैंक? अरे भाई हो गया ना भाई, किस चीज का चैलेंज था वो? किस चीज का चैलेंज? सर से ना बात करने वाला चैलेंज था, हो गया। अच्छा हो गया, क्या मैं जाऊंगी किसी के साथ? अरे किरण नहीं लेके जाएगी, मैं उसके साथ जाऊंगी, वो कुछ ले नहीं, हम जा रही हैं उसके साथ। नहीं तो मैं साथ जाएगी, तू मेरी दोस्त है तो मैं उसके साथ गई। नहीं तो मैं तो मैं नहीं बैठ यार, ड्रामे ना कर यार, चलना यार ड्रामे ना कर। वाइज ये प्रैंक मुझ पे भारी पड़ गया, मेरी दोस्त गुस्सा हो गई, समझाना पड़ेगा, समझ जाएगी। वो अलग रास्ते में जाएगी, किरण तो उसको लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगी ना, नहीं देख ले बस करके।